राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फूस का महीना शुरू हो गया है। फूस का महीना आते ही जो है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। पंडित जी कर रहे हैं सामने पूजा, मैंने किया है लड्डू गोपाल के लिए गर्मा गर्म दूध तैयार। चलिए आप सबके साथ जो है ना, लड्डू गोपाल को आज हम भोग लगाएंगे। तो बस इस चांदी का, कभी कभी चांदी का गिलास ले लेती हूँ, कभी कभी जो भगवान के नॉर्मल स्टील के बर्तन है ना, जो पहले के मेरे पास हैं, उनमें भी जो है ना कभी कभी भोग लगाती हूँ। तो ये सब जो है ना समय के हिसाब से जो है ना निर्भर करता है। और मंदिर जो है ना सुबह सुबह कुछ ऐसे ही जो है ना आपको बिखरा हुआ दिखेगा, क्योंकि जब हम भी कमरे से जब सोकर उठते हैं ना, हमारा कमरा भी ऐसे ही फैल जाता है। तो मंदिर का भी वही हाल है, मंदिर भी जो है ना ऐसे ही फैल जाता है मेरा सुबह सुबह। बस यहाँ पर लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ, थोड़ा सा तुलसी का एक पत्ता डाल दिया है। और 5 बार या 3 बार जो है ना मैं इस तरह से भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल को जब आप अपने घर में भोग लगाते हैं ना, तो हमेशा इसी तरह से भोग लगाएं। बाकी किसी और देवी देवताओं का भोग लगाते हैं तो फिर वो आप केवल थाली रखकर भी जो है ना भोग लगा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को जो है ना इस तरह से, मतलब उन्हें खिलाया जाता है कुल मिलाकर। तो 5 बार जो है ना इस तरह से उनको दूध पिला दिया है। और दूध पिलाने के बाद जो है ना, इस दूध का मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो इस दूध का जो है ना मैं चाय बना लेती हूँ। क्योंकि चाय का मैं कभी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती, क्योंकि एक चीज़ का जब हम भोग लगा देते हैं ना, उसका जो है ना दोबारा से उसी चीज़ का जो है ना भोग नहीं लगाया जाता। तो इस दूध की बनाऊंगी मैं चाय। जब पंडित जी पूजा करके उठ जाते हैं तो मैं एक बार फिर से चाय बनाती हूँ। ठंड में जो है ना चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बस चाय मिल जाए, फिर और कुछ मिले ना मिले। तो इस दूध को मैंने रख दिया है, अगर हिरम पीता है तो उसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसकी चाय बना लेती हूँ। अब हो गया है फूस का महीना शुरू। तो काफ़ी लोग जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि फूस का महीना जो है ना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इस महीने में जो है ना बहुत जो शुभ शुभ कार्य होते हैं वो इस महीने में नहीं किए जाते। लेकिन एक कार्य इसमें किया जाता है, वो है लक्ष्मी प्राप्ति। अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो महीना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष महीना माना जाता है। तो इस महीने में आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की आप आराधना कर सकते हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। तो फूस का महीना ये सारे कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैं भी फूस के महीने में जो है ना लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से करती हूँ, और किस तरह से करती हूँ इस वीडियो में यही शेयर करूँगी आप सबके साथ। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से जो है ना लक्ष्मी जी की रोज़ सुबह उठकर, सुबह जल्दी उठकर जो है ना मैं उनकी इस तरह से पूजा करती हूँ। तो मैंने लोटा में जो है ना गंगा जल ले लिया है और तांबे की प्लेट में उनको विराजमान करके इस तरह से स्नान करा रही हूँ। अगर आप पंचम से स्नान कराते हैं तो कोई चांदी की प्लेट ले या पीतल की प्लेट ले, तांबे की प्लेट का यूज ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना मैं उनका अंग पोषण करती हूँ, और हमेशा जो है ना बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से जो है ना मैं पूजा करती हूँ। पूजा से सरल सिंपल तरीके से इसलिए करती हूँ क्योंकि ये पूजा जो है ना पूरे एक महीने आपको करनी है। अगर आप जाना विधि विधान से करेंगे तो आपको रोज जो है ना बहुत ज़्यादा समय जो है ना देना पड़ेगा, और समय का अभाव जो है ना आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, किसी के पास ज़्यादा समय नहीं होता है। इसीलिए ऐसी पूजा आप शुरू कीजिए जिसमें जो है ना थोड़ा कम समय लगे और आपका जो है ना नियम भी जो है ना बरकरार रहे। इसके बाद स्नान कराने के बाद जो है ना मैंने वस्त्र पहना दी हैं। अगर आपके लक्ष्मी जी गणेश जी के पास अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावर रूपी वस्त्र भी जो है ना अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, जैसे आपके पास देखिए सुविधा हो, सुविधाओं के हिसाब से ही जो है ना पूजा की जाती है। स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से जो है ना हमेशा आप अपनी पूजा करें। तो ये पूजा जो है ना आपको पूरे महीने करनी है। इस तरह से सिंपल सरल तरीके से आप लक्ष्मी जी की रोज पूजा करें, और लक्ष्मी जी की आराधना के लिए आप चाहें तो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो 11 माला से या 5 माला से जो है ना ये जब जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे दीदी आप कोई मंत्र बता दीजिए, तो मंत्र अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका जप कीजिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप चाहें तो लक्ष्मी जी का कोई स्त्रोत्र डेली जो है ना उसका पाठ कर सकते हैं। हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना लक्ष्मी जी का मंत्र मैं आपको दे दूंगी। और बस यहाँ पर इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद जो है ना मैं उन्हें रोली का टीका करूंगी। आज जो है ना रोली जो है ना मेरे, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चौघड़िया बोला जाता है हमारे यहाँ, याद आ गया। तो इसमें जो है ना रोली ख़त्म हो गई थी, तो बस रोली को जो है ना मैंने इसमें भर लिया है, और 8 से 10 दिन आराम से ये रोली चल जाती है। मैं हमेशा इकट्ठा ऐसे करती हूँ, रोज़ जो है ना नहीं निकालती, मुश्किल हो जाता है। इस रोली को जो है ना मैंने गंगा जल से घोरा है। तो रोली और चंदन घोरने के लिए मैं हमेशा गंगा जल का यूज़ करती हूँ। क्या करती हूँ मैं, गंगा जल में जल मिला लेती हूँ तो वो पूरा जो है ना गंगा जल ही बन जाता है। तो इस तरह से देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी को हमने तैयार
तैयार कर लिया है। अब जो है ना इनको मंदिर में मैं विराजमान कर लूंगी। आज जो है ना अभी थोड़ी देर के लिए लाइट मंदिर में चली गई थी, इसलिए मैंने बाहर आपको पूजा करके दिखाई है। और पूरे भगवान, सबसे पहले सभी भगवानों को स्नान करवाती हूँ, उसके बाद में आराम से लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन करती हूँ। और जब भी आप लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन करें ना, तो मन में आप ध्यान जरूर करें। किसी भी देवी देवता का पूजन करें, मन में आपको ध्यान जरूर करना है। बस इसके बाद रेगुलर जो हमारी घर की आरती होती है सुबह की, आरती की तैयारी यहाँ पर चल रही है। फूस के महीने में रोज आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, और इस तरह से पूजा करने से जो है ना लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। इसके साथ साथ अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है, मंत्र बहुत जल्दी फल जाते हैं। तो मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो जाप बहुत ज्यादा अच्छा है, और हो सकेगा तो मैंने आपको बोल ही दिया है डिस्क्रिप्शन में जो है ना, मैं आपको मंत्र लिख कर दे दूंगी। अगर बड़ा मंत्र हुआ तो सॉरी नहीं लिख पाऊंगी, छोटे से छोटा मंत्र जो है ना लिखने में थोड़ा सा ईजी होता है और शुद्ध जो है ना लिख पाता है, क्योंकि हिंदी टाइप करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, आप सभी समझ सकते हैं। बस इस तरह से जो है ना सुबह की पूजा होती है। इसके बाद जो है ना हवन बहुत ज़रूरी होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। वैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैंने आप सबके साथ कईयों हवन शेयर किए हैं, एक बात फिर से शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर तो खैर डेली लक्ष्मी जी का हवन रोज होता है। अगर आप तो देखिए रोज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फूस के महीने में आप ज़रूर करें हवन। तो यहाँ पर हमने गाय का उबला यानी कंडा लिया था, उसको अच्छे से पका लिया है, घी से हम यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। सबसे पहले आपको गौरी गणेश की नाम की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रहों के नाम की आहुतियाँ देनी है। नवग्रह यानी नौ ग्रह जो हमारे होते हैं उनके नाम की आहुतियाँ देनी है। इसके बाद जो है ना आप लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से जो है ना 11, 21, 51 आहुतियाँ रोज दे सकते हैं। अब हवन किससे करना है, आप गाय के घी से हवन कीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कमल गट्टे से हवन कर सकते हैं, आप चाहें तो बेलगिरी से हवन कर सकते हैं, तो खीर से जो है ना आप हवन कर सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए कईयों इस संबंध में जो है ना वीडियो बनाए हैं, फिर से छोटे से रूप में आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप हवन कीजिए और थोड़ी सी मंत्रों का आप जरूर जाप जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया मंत्रों का जाप करने से जो है ना बहुत जल्दी जो है ना किसी भी देवी देवता के अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी कृपा जो है ना बहुत जल्दी बरसने लगती है, और वो चीज़ जो है ना आपको बहुत जल्दी फल देती है। तो इस तरह से आप फूस का महीने में जो है ना पूजा कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।